हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस राज भाई ने कमेंट किया है कि भाई आपने कभी रिटर्न किया है इस ऐप में, उसका वीडियो भी दिखाइए, थैंक यू। बहुत दिन पहले रिटर्न किया था, तो अभी जो है नया अपडेट आ गया है, तो रिटर्न कैसे बुक करती है आज मैं इस वीडियो में आप सभी को बताऊँगा कि कैसे आपको रिटर्न करना है और रिटर्न करने का प्रोसेस क्या होता है और कितना दिन टाइम रहता है। तो फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने रिटर्न पॉलिसी के बारे में एक वीडियो बनाया था, वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा तो आइकन बटन में क्लिक करके वो वीडियो जरूर एक बार देख लीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, ज़्यादा बात ना करते हुए। तो पहले आपको रिटर्न करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, आपको जिस एप्लीकेशन में आपने ऑर्डर किया है तो उस एप्लीकेशन को आपको पहले ओपन करना है, ठीक है। तो चलिए मैं एप्लीकेशन को पहले ओपन कर लेता हूँ फ्रेंड्स। ओपन करने के बाद आपको क्या करना होगा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तो चलिए, ये प्रोडक्ट जो है आज ही मेरे पास आया है, आज ही डिलीवरी हो गया है। तो ये प्रोडक्ट जो है यहाँ पर बोल रहा है कि सर इसका क्वालिटी क्या है, आप रेटिंग दे दीजिए। तो अभी मैं इसको नहीं दूंगा, स्किप कर दूंगा। तो चलिए पहले मैं आप सबको दिखा देता हूँ कि रिटर्न आपको कैसे बुक करना है, ठीक है। तो देखिए, बाएं तरफ एक बॉक्स है, इस बॉक्स को आप क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको माय ऑर्डर पर क्लिक करना है, ठीक है। तो माय ऑर्डर पर आप क्लिक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आप ऊपर की तरफ देखिए एक एक्टिव डिलीवरी एंड कैंसिल, ठीक है। तो मिडिल वाला जो है डिलीवरी, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट आपका डिलीवरी हो जाएगा वही प्रोडक्ट आप जो है रिटर्न कर सकते हो, रिटर्न बुक कर सकते हो। देखिए ये जो प्रोडक्ट है अभी अभी आज ही मेरे पास आया है, तो ये मैं रिटर्न कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नोटिस लिखा है, तो एनी इशू विद दिस ऑर्डर यू कैन बुक ए रिटर्न विद इन 10 डेज ऑफ डिलीवरी। यानी आप जब आपके पास प्रोडक्ट चला जाएगा उसी दिन से लेकर आप 10 दिन आपके पास रहता है, 10 दिन टाइम आपके पास है रिटर्न करने के लिए, ठीक है। तो किसी भी टाइम आप रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। और 10 दिन जब पार निकल जाएगा उसके बाद आप रिटर्न नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं रिटर्न करना चाहता हूँ, तो रिटर्न करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है, रिटर्न बुक। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर दिया, यहाँ पर कुछ ऑप्शन आ जाता है कि आपने मैंने 8 पेयर्स ऑर्डर किए, यहाँ पर भी 8 पेयर्स ऑर्डर किए, 2 कलर 16 पेयर ऑर्डर किया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने जो भी पार्सल खोला है उस पार्सल के अंदर सभी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है कभी कभी, ठीक है। तो किसी का साइज प्रॉब्लम है, किसी का रॉन्ग सही नहीं है, ठीक है, गलत रॉन्ग आ गया है, तो किसी भी के लिए आप यहाँ पर रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। तो आप कितना पेयर रिटर्न करना चाहते हो, 8 पेयर्स या 2 पेयर्स, 1 पेयर्स, जो भी आपको मर्जी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो 1 से लेकर 8 तक, ठीक है। तो आपको जो भी रिटर्न करना है तो आपको उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं सबको रिटर्न करना चाहता हूँ, ठीक है, यहाँ पर भी मैं सबको रिटर्न करना चाहता हूँ। उस तो मेरा साइज प्रॉब्लम हुआ है तो मैं इसको रिटर्न करना चाहता हूँ। तो रिटर्न करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर कुछ फ़ोटो अपलोड करने के लिए बोल रहा है, ठीक है, और रीजन जो है यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको जो भी रिटर्न करना है, मैन्युफैक्चर डिफेक्ट है, कोई साइज़ वगैरह प्रॉब्लम है, कलर डिफेक्ट है, ठीक है, तो कुछ भी हो, ठीक है, उसका फ़ोटो क्लियर आपको खींचना है और खींचने के बाद जो है यहाँ पर अपलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपलोड कर दीजिए। तो अपलोड करने के बाद क्या है, यहाँ पर रीज़न सिलेक्ट करने की बोलेगा कि क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर, ठीक है। तो प्लस आइकन पर आप क्लिक कर दीजिए पहले, यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए ये गैलरी आ जाता है। तो गैलरी आने के बाद देखिए यहाँ पर जो आप रिटर्न करना चाहते हो, आपके पास जो प्रोडक्ट है उसका फ़ोटो आपको सही से डालना है। तो मैं अभी कुछ भी डाल देता हूँ, ठीक है, और उसके बाद जो है रीज़न आपको देखिए रॉन्ग कलर है, रॉन्ग साइज है, मैन्युफैक्चर डिफेक्ट है, डैमेज है, और रॉन्ग मटेरियल्स है, एंड डिज़ाइन और डैमेज पैकिंग है, ठीक है, सब कुछ यहाँ पर आप देख सकते हो। और उसके बाद जो है मैं लिख दूंगा यहाँ पर, ऑल प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ये मैं लिख दिया, तो आप जो भी मर्जी आप लिख सकते हो, सही से लिखना। तो यहाँ पर मैंने सेव कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है ये भी मुझे सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद जो है इमेज अपलोड कर देता हूँ और सब कुछ मैं सिलेक्ट कर देता हूँ फ्रेंड्स। उसके बाद रीज़न भी मैं बता दूँगा, तो चलिए फटाफट मैं कर लेता हूँ। तो उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है कि रॉन्ग साइज, मैं कुछ भी लिख देता हूँ, रॉन्ग साइज, उसके बाद सेव कर देना है, ठीक है। तो सेव करने के बाद देखिए इस तरह कुछ इंटरफेस हो जाएगा, ठीक है। होने के बाद आप क्या करना है, आपको नीचे तरफ देखिए प्रीव्यूड आइटम्स, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर किस इस तरह से कुछ आएगा, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट करना है आपको, तो नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद बोल रहा है कि आप
कहाँ पर पैसा जो है रिफ़ंड लेना चाहते हो फ्रेंड्स, ठीक है। तो रिफ़ंड लेने के लिए आपको बैंक डिटेल्स जो है वह यहाँ पर आपको भरना है, तो मेरा ऑलरेडी है तो मैं इसी बैंक डिटेल्स में ही लूँगा मेरा जो ऑलरेडी है। तो देखिए मेरा यूनियन बैंक का हेड तो, और मेरा यहाँ पर पासबुक जो है यहाँ पर अपलोड है, तो यहाँ पर आपको सबमिट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद देखिए बोले योर रिटर्न इज़ सक्सेसफुली सबमिट फॉर अप्रूवल, ठीक है। तो चलिए गो टू रिटर्न। तो फ्रेंड्स आपको इसी तरह से जो है रिटर्न बुक करना है, ठीक है। तो और उसके बाद जो है फ्रेंड्स आपके पास कॉल आएगा, ठीक है, 24 आवर्स के अंदर। और कॉल आने के बाद आपको पूछा जाएगा कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, आपको सही से बताना होगा, ठीक है। वो लोग पहले बोल भी सकते कि आप सही से क्लियर से फ़ोटो अपलोड कर दीजिए, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आपको बाद में जो है क्लियर फ़ोटो जो है आपको व्हाट्सएप पर भेजना होगा, ठीक है। जिस इस एप्लीकेशन के अंदर जो व्हाट्सएप नंबर है तो उसी व्हाट्सएप पे आपको भेजना होगा, और उसके बाद जो है वो इंक्वायरी करेगा। इंक्वायरी करने के बाद जो है आपका जो है ऑर्डर जो है अप्रूव हो जाएगा, और अप्रूव होने के बाद पिकअप भी हो जाएगा, 1 से 2 दिन के अंदर पिकअप हो जाएगा। उसके बाद जो है तुरंत ही 24 आवर्स के अंदर जो है आपका पैसा वापस मिल जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। तो मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही बताया कि एक रिटर्न के बारे में मैंने वीडियो बनाया है, वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा तो आइकन बटन पर क्लिक करके वीडियो को जरूर एक बार देख लीजिएगा फ्रेंड्स। तो आइए फ्रेंड्स ये वीडियो आप सभी को पसंद आएंगे, पसंद है लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।